आज झांसी के एक प्रसिद्ध होटल में प्रगति रथ संस्था द्वारा आर्ट गैलरी का आयोजन किया गया। झांसी सदर विधायक रवि शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके पीछे निश्चित रूप से उसकी कोई कल्पना होती है, वो कल्पना सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य से पकड़ से बाहर होती है, समझ से। लेकिन जब हम जैसे लोग जो सामान्य ज्ञान रखने वाले लोग हैं, इस दुनिया से दूर के लोग हैं, क्योंकि इनकी एक अपनी अलग से दुनिया है, इस दुनिया से दूर के लोग हैं, तो हम जरूर पूछते हैं कि आपने इसके पीछे क्या कल्पना है आपकी। तो निश्चित रूप से आपकी जो कल्पना है, आप अपनी अभिव्यक्ति को पेंटिंग के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। आप सभी को बहुत शुभकामना, आपको और बड़े बड़े मंचों पर अवसर मिले। आपको आज यहां पर सम्मानित किया गया, मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है तो उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री आपको सम्मानित करें। आर्ट गैलरी में कई उन गरीब और दिव्यांग कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग सजाई गई, जिसे बड़ी संख्या में आए लोगों ने देखा और सराहा। प्रगति रथ संस्था की सह संस्थापक और सचिव डॉक्टर संध्या चौहान ने बताया, संस्था गरीब तबके के लोगों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका देती है। इसी के तहत आज आर्ट गैलरी का आयोजन किया गया। गाँव है, दूर से देखने में आई चिमनी है, एक फेस ऑफ वुमेन बॉडी है। ये कोडी वर्क है सर, चारों के सांस देखने। कार्यक्रम में झांसी सदर विधायक रवि शर्मा ने संस्था द्वारा किए गए कार्यों को सराहा एवं बताया कि हर कलाकार के अंदर कुछ न कुछ अनूठी प्रतिभा होती है और उसी सोच को वह उसे अपनी पेंटिंग में उभारता है। इंटरनेट के युग में आज भी हाथों से बनाई गई पेंटिंग अपने आप में विशेष महत्व रखती है। एक चित्रकार अपनी पेंटिंग के माध्यम से ही समाज को बड़े बड़े संदेश देता है। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रगति रथ को, उन्होंने हमारे नवोदित चित्रकारों को मंच उपलब्ध करवाने का काम किया। निश्चित रूप से चीजें छोटे से ही बड़ी होती हैं। वो चित्रकार हमारे जिनके मन में विचार सुंदर थे, अपनी पेंटिंग भी बनाते थे, क्योंकि चित्रकार का समाज को देखने का अपना नजरिया होता है। साथ ही साथ संस्था की सह सचिव संध्या चौहान ने भी संस्था के कार्यों का उल्लेख किया। हमारी संस्था का नाम प्रगति रथ है। हम लोग पिछले 6 साल से समाज के लिए वर्ग को, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कलाकार हो, मैं कलाकारों को देख रही हूँ, इसलिए बड़ा प्रति हूँ। आज जो कलाकारों की पहचान है हमारे समाज में, वो भी उद्देश्य कला है। उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो सबके सामने अपनी कला को प्रदर्शित कर सके, और समाज के लिए तरह की बड़ा उपेक्षक का नजरिया अपना रखा है कि हम जानते हैं व्यक्ति सक्षम है, उसको मौका मिला चाहिए प्रदर्शित करने, लेकिन लोग उन्हें उपेक्षित कर रखा है कि वो भी वहाँ उन्हें भी आज पिछड़े या निगलेक्टेड वर्ग में ही मिल रहे हैं। तो जो हमारी जो संस्था है वो पिछले 6 साल से इस कोशिश में लगी हुई है, जो भी पिछले वर्ग के समाज के, हम उनको एक विकास धारा से जोड़ सकें, उनके लिए कुछ ऐसा कर सकें, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म उनके लिए हम प्रोवाइड कर सकें, जहाँ हम जैसे अगर हम आज की बात करेंगे तो हम उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देख पाए जहाँ वो अपनी जो कि आर्ट की जहाँ को शोकेस कर पाए, लोग आए देखें, उनकी प्रतिभा को समझें, पहचानें, और अगर पसंद आना ना आना एक अलग बात है, लेकिन उनको कम से कम प्रोत्साहित करें।